चलो, आपका जो ग्रुप है वो सीरीज में कौन से नंबर पे ग्रुप आता है? हाँ, सर मेरा 5 पे आता वेबकैम ऑन कर लो यार, मेरे में ना कुछ टेक्निकल इश्यू है, वेबकैम ऑन नहीं हो रहा, मोबाइल डेटा पे प्रॉब्लम है कुछ, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपने टीम मेंबर्स के नाम बता दो एक बार। रजत, लाबोनी, सुदीप एंड सर प्रयाग। प्रयाग, टोटल चार। प्रयाग रेगुलरली क्लास में आता है या नहीं आ रहा है प्रयाग? सर अभी फिलहाल तो सर कुछ दिन से रेगुलर कुछ दिन से रेगुलर है। ये वही है जिसके घर में फंक्शन था और छुट्टी पे चला गया था, नो सर, वो सचिन सिंह है। सचिन है। आप लोगों की इससे पहले कोई ग्रुप कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई? व्हाट्सएप चैट के लिए तो हो रही थी बात, आज सर कॉलेज में हुआ था बात हम सबका। सब लोग थे या कोई एब्सेंट था उसमें से? सर सारे थे। यस सारे थे। उन लोगों का बॉडी सर, लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस कैसा है? सबका ठीक है सर। रजत जैसे कि लोकल है तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी अप्रोच किया है इसके लिए। बट और सर आपको, लाभ हाँ, ये फ्रेंड्स वाला पॉइंट आपने उसको बोला नहीं कि यार तुम तो लोकल हो, सीनियर्स को पकड़ो थोड़ा, फ्रेंड्स तो हमारे एज ग्रुप के होंगे, पैसे होंगे नहीं पॉकेट में, तो कैसे अकाउंट खोलेंगे वो? नहीं सकता कि वो पेरेंट्स से लेके खुलवाएंगे। नो 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 नो, यू सी, ये तो पैसे फंसाने वाली बात हो गई कि असाइनमेंट में फंस गए तो घर से पैसे लो, खाता खोल दो। लेकिन इसमें जो आपका प्रोसेस है, जो एक बैंकर को फेस करना पड़ता है, जिसमें चैलेंज है लोगों से बात करने का, कन्विंस करने का और कन्वर्जन रेट डिफाइन करने का। अगर मैं आपसे एंड में पूछूंगा कन्वर्जन रेट क्या है, तो आप तो एक आदमी के पास जा रहे हो और उसी का खाता खुला दे रहे हो क्योंकि पापा से पैसे लेने और उस खाते में डालने हैं, तो कन्वर्जन रेट तो 100% है। और ये स्ट्राइक रेट तो बड़ी हैवी है, 100 लोगों से बात यस करके आप एक या दो लोगों का अकाउंट ले पाते हो, कन्वर्जन 1 या 2% है। बट आपके केस में तो क्योंकि फॉलोअप शीट आपने दिया था, यस सर, दिया था उसमें कितने आज, नंबर्स नहीं थे? दिया था हाँ, सर, आज नहीं दिया था। आज नहीं दिया था, आज मैंने मांगा था आपको देने के लिए। चलो कोई नहीं, आपने जो लास्ट टाइम फॉलोअप शीट दिया था उसमें कितनी एंट्रीज थी आपकी तरफ से? सर उसमें एक ही एंट्री थी एक ही एंट्री थी। अब बताओ, एक जस्टिफाइड है क्या? सर, 15 दिन मैं तो हो बीमार था गए। ना उस टाइम, तो मैं अच्छा, किसी से सर ज्यादा बात नहीं कर पाया था। ओके ओके। लेकिन जब आप ठीक हो गए और अब आप रेगुलरली क्लास में आते हो, मैं देखता हूँ बिल्कुल फिट हो, कहीं कोई इश्यूज नहीं है, तो अभी तो यस ये हम फॉलोअप, देखो आपका पुराना गैप है, उस गैप को पूरा करना है, तो वो यस सर, कैसे होगा? हमें थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ज़्यादा बात करना पड़ेगा, तभी तो होगा। यस सर। अभी शीट बनाई नहीं ना तुमने रिवाइज करके दूसरे राउंड के लिए? नहीं सर, अभी वैसे बात कर रहा हूँ जैसे कि अपने पीजी के केयर टेकर से बात किया है, और सर दो तीन शॉप वाले भैया लोगों से भी बात की है। ओके। देखो भैया, फिर भी वही हैं, स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, थोड़ा फंस जाएंगे वो लोग। अब अपनी जगह वो सर ठीक भी हैं, क्योंकि मतलब अगर, सर यहाँ के लोकल्स हैं जो शॉप्स खोले हुए, तो हाँ भैया ही बोलते हैं मेरे को। हाँ अच्छा, उनकी बात कर रहा, ठीक है, वो ठीक है, वो थोड़ा मीनिंगफुल है, और पीजी वाले ओनर भी थोड़ा मीनिंगफुल है, मेस के जो, अगर मेस का कोई अलग से वेंडर है वो थोड़ा लॉजिकल है, बट बाकी लोगों के टारगेट ऑडियंस कौन है उस पर कोई बात हुई आपकी? लाबोनी जैसे वेस्ट बंगाल से है, तो अब उसको लोकली कोई कुछ नहीं मिलेगा, यस सर, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को ही रीच आउट कर रही है। बट ये तरीका तो नहीं कुछ यील्ड करेगा। वो तो हो सकता है बहुत बंगाली स्टूडेंट्स हो, लेकिन बंगाली स्टूडेंट्स में भी 10,000 वाला क्या करेगा कोई? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ देखो जिसमें वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास कुछ फंडिंग है, तो वो अकाउंट खोलें तो समझ लगती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक्टिव है ना, हर कोई नहीं खोल पाएगा, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको एक अकाउंट खोलना है और उसको फिर एवरेज 2,500 के करीब तो मेंटेन करना ही करना है, तो इसमें ये चैलेंज आएगा। आपके पास टीम में 5 लोग हैं रजत को मिला के, तो ओवरऑल टीम की रिक्वायरमेंट 5 अकाउंट की है, 15 तारीख डेडलाइन है, आज 2 तारीख हो जाएगी कल, है ना, रात को 12 बजे के बाद 2 चालू हो जाएगा, अभी तक 15 दिन निकल चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, अगले 15 दिन में 5 कहाँ से लाओगे? मेरा यही पॉइंट है। हो सकता है मेडिकल आप प्रॉब्लम में थे, अभी जो आपके बचे हुए टीम मेंबर हैं उनमें से कोई मेडिकल इमरजेंसी में चले जाए, तो स्टेट तो वही रहेगी, जो पहले 15 दिन थे अगले 15 दिन भी वैसे ही कुछ रहने वाले। यही मैं पिछली मीटिंग में पिछले ग्रुप को बोल के हटा,
उसमें भी वासु की तबीयत खराब है, मेडिसिन लेके आ रहा है अभी, और 3 4 दिन नहीं आएगा। लेकिन जब आएगा तब क्या गारंटी है कि वो फिर वो कर पाएगा, क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल और हमारे इतने कनेक्शंस तो है नहीं मार्केट में कि किसी को रिक्वेस्ट किया और वो सीधा अकाउंट खोल के बैठ गया। मार्केट में हर किसी को अपनी नीड के हिसाब से चाहिए। 10 हज़ार का अमाउंट भी बड़ा है, बैंक का नाम भी बहुत नहीं पता लोगों को। आप जा रहे हो तो लोग बैंक की वजह से आपको गाली निकाल दे रहे हैं कि भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, हमने तो नाम नहीं सुना। तो ये सब चैलेंजेस के साथ चलते जब तक आप पर पर्सन 70 से 80 लोगों से नहीं इंटरेक्ट करता, तब तक वो कहाँ से उसको अचीव कर पाओगे। रजत वेबकैम ऑन कर लो। रजत, हाँ जी, ये रजत कैमरा नहीं ऑन कर रहा, मैं तो उन्हें 2 बार बोल दिया, आप देख रहे। हाँ सॉरी, 1 मिनट रुको। ये देखो। अच्छा, मैंने आज तुम्हारे टीम मेंबर्स देखे थे यार क्लास के अंदर, तो अब मैं मेकआउट कर पा रहा हूँ रजत कौन है। ये वही स्टूडेंट है जिसने कहा था अभी 3 मिनट बचे हैं क्लास में अंदर जाने के लिए, तो जल्दी क्या करना। हाँ ये वही है रजत। रजत अपना अभी एक मीटिंग हमने प्लान की थी, ये इसीलिए क्योंकि दिन में हम 9 से 5 में तो थोड़ा चोकअप होते हैं, आपकी भी क्लासेस होती हैं और सब लोग नहीं मिल पाएंगे, इसलिए गूगल मीट पे रखा था कि कोई कहीं पे भी हो तो इजीली अपना मोबाइल पे ही कनेक्ट कर ले और हम लोग एक फॉलो अप टाइप कर लें। आपने लास्ट टाइम जब एक वो शीट दी थी, सबमिट की थी डिपार्टमेंट को, फॉलो अप शीट, उसमें कितने नंबर्स की एंट्री कर रखी थी? लगता है रजत को सुनाई नहीं दे रहा है। रजत माइक, ईयर प्लग्स वगैरह कुछ है तो वो यूज कर लो। सर मैं शॉप पे हूँ एक्चुअली, इसलिए ओके, थोड़ा सा वो था। ये अपनी शॉप है? हाँ जी सर। तो यार तुम तो अपनी शॉप का ही अकाउंट खुलवा सकते हो, मुझे नहीं पता बाकी क्या करें। बाकी लोग तो बेचारे शॉपकीपर्स पे जा रहे सर वो बिजी था इसलिए थोड़ा काम लो था, पापा थे नहीं इसलिए तो हैं। नहीं, ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया काम है यार, इसीलिए तो रखा। अभी देखो तुम्हारे कोई कस्टमर आ जाए तो मीटिंग छोड़ देना इमीडिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर आ छोड़ना गए मतलब। हैं, सर आ हाँ गए हैं। हाँ तो तुम बात करो उनसे, बात करो, तब तक मैं सुदीप से बात करता हूँ, जब तुम्हारा ओके हो जाए ओके तो वापस आ जाना। सुदीप, ओके पीछे से बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आएगी क्योंकि बैकग्राउंड जो है किचन है, अब उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो रजत अभी आया था। रजत देखो अपनी शॉप पे जाके भी ज्वाइन कर रहा, मतलब कमिटमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है, और रजत देखने में भी स्मार्ट लग रहा है, और इसका अपना एक टारगेट उसके घर पे ही है जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टारगेट हो सकता है, बट उसकी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्लस माइनस देख के आप करो। और लाबोनी को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो आउट स्टेशन का है बच्चा, बट उसके ऊपर भी ये है कि मेरे को ऐसा समझ लगता है जहां पे रजत है, लोकल लोकेशन कहाँ है, ये जलंधर से है, फगवाड़ा से, कहाँ से है? सुदीप आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद जलंधर से है। अच्छा जलंधर से है, तो जलंधर से तो थोड़ा दूर हो जाएगा यार, उसके लिए हमारे को वायबिलिटी देखनी है। वायबिलिटी में कोई फगवाड़ा से आए तो लॉजिकल है, जलंधर से आए तो ये दिखता है कि वो अकाउंट तो खुलवा लेगा, लेकिन वही फिर 15 20 दिन में बंद भी करवा लेगा क्योंकि उसके लिए वायबल ही नहीं है। और ये यस देखो हमने एक चीज देखनी है, हम किसी का नुकसान ना कराएं, बैंक वालों को भी अकाउंट खोलने पे ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, और कस्टमर को भी इतनी दूर से आने की कोई वायबिलिटी नहीं दिखती है, तो हम वो करें जो वायबल है, यानी फगवाड़ा को ही टारगेट करें, और फगवाड़ा के आसपास जैसे कोई इन रिलेशन में कोई फगवाड़ा में कहीं कोई शॉप वगैरह हो तो ईजी है, या फिर आप लोग अपना एक ना सैटरडे और संडे डेट्स के बीच में प्लान करो सर। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें आप लोग निकलो ग्रुप्स में। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट आपके पास दूसरा कोई वे आउट भी नहीं दिख रहा है। आप पहले खुद ब्रांच की लोकेशन देखो, उसके आसपास वाला जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको टैप करो, या उसके आसपास जो शॉप्स हैं उनको कन्विंस करना आसान है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी ब्रांच, लेट से मैं दुकान में हूँ, मैंने दुकान खोला साथ में कैथलिक सीरियन बैंक है, अगर मुझे कैथलिक सीरियन बैंक के अंदर अकाउंट रखना है तो मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो कन्वीनियंस ना दुकानदार भी देखते हैं। या फिर आप मार्केट में जब जाते हो तो कोई पुराने कस्टमर जो दूसरे बैंक के कस्टमर हैं बट वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी सर्विसेज से, बैंक से, उनको आप टारगेट कर सकते हो अच्छे से, स्टाफ मेंबर को टारगेट कर सकते हो जो लोग फगवाड़े से अप डाउन करते हैं,
पीजी ओनर्स को कर सकते हो जो फगवाड़ा में पीजीज चल रहे हैं। यानी आप अपने क्लासमेट से ही पूछोगे तो बहुत बच्चे फगवाड़ा में रह रहे होंगे और उनके पीजी के मालिक होंगे, आप उन्हीं से उनकी लीड ले लो और सैटरडे को टारगेट कर दो पूरे गैंग लेके। ठीक है, एडवांस में उनको पता होना चाहिए कि आप लोग आ रहे हैं, सो दैट वो भागे नहीं लास्ट मिनट में। दूसरा, आप उनको वहां पहुंच के अपना ब्रीफ करें कंसेप्ट को, और अगर लगे कहीं कोई पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि वो फगवाड़ा के हैं। और देखो एक चीज है, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, वो खुद से बैंक ढूंढते हैं कि किस बैंक में खाता खुलाएं और पैसा रखाएं। तो वैसे कुछ लोगों को आप अप्रोच करो, वो कैसे पता चलेगा, जब आप 10 लोगों से मिलोगे तो फिर पकड़ पाओगे इनमें से कौन से एक्चुअली नीडी है, कौन से ऐसे हैं जो नीडी तो हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी गेयर से बाहर जा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे ये वाली फैसिलिटी अवेल, है ना। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, जिन लोगों की सैलरी या जो अकाउंट होल्डर्स 1 लाख से कम कमा रहे हैं, मैं आपको सोशल क्या है, सोशल सिक्योरिटी या सोशल कुछ करके उनका एक अकाउंट है, सोशल कवरेज अकाउंट, तो उसमें क्या कर रहे हैं वो, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए खाता खोल रहे हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैं एक बार पता करके आज शाम तक शेयर कर दूंगा। तो अगर वो कस्टमर उसमें आ सकता है तो वो भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसमें फगवाड़ा में बहुत लोग मिल जाएंगे। बट अब चक्कर ये है कि हमें 5 लोग हैं तो 5 अकाउंट चाहिए, उसमें से अगर एक आध कोई स्टाफ अपना एग्री कर जाए, हाँ आप में से कोई एक आध किसी पीजी ओनर को पकड़ पाओ, 5 7 10 को बात करो तो एक आध कोई कन्विंस हो जाए, उसके अलावा एक आध किसी शॉप पे जो उसके पास में है लोकेशन, ये सब चीजें आप तभी पकड़ पाओगे। ए बाप रे, 1 मिनट, इसने फैन चला दिया, रुको 1 मिनट। अरे भाई क्या कर रहा है। हाँ ये छोटा पहलवान है, बैठ के सब चीजें देख रहा है और वो गिर जाएगा बेबू, चोट लग जाएगी, छोटू लग जाएगा बेटू, ये देख पा रही है इधर। रजत तुम्हारा क्लाइंट है कि गया, हो सकता है रजत की दुकान पे जो क्लाइंट आ रखा है। सर वो क्लाइंट तो चला गया सर, मैं अब शॉप बंद करके घर जा रहा हूँ, अपनी मदर के साथ हूँ। अच्छा सुन रजत, 1 मिनट के लिए ना तू अपना वेबकैम ऑन कर, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद ये मीटिंग क्लोज करते हैं। वेट सर, हाँ सुदीप, जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तूने साथ में ही फोटो क्लिक कर लेनी है, स्क्रीनशॉट पे ले लेना स्क्रीनशॉट इस मीटिंग का, और वो फिर अपने ग्रुप के अंदर डाल देना जो अपनी क्लास सब्जेक्ट का ग्रुप है ना। हाँ अब क्लिक कर दे। हो गई सुदीप? हो गया। हाँ ठीक है रजत, आप अभी चले जाओ, बाद में सुदीप आपसे फोन पे बात कर लेगा और आपकी लीड जो भी है स्टेटस वो मुझे एक मैसेज की फॉर्म में भेजेगा। हमें सबको एक एक अकाउंट चाहिए, कोशिश ये करना जेन्युइन अकाउंट हो, जो फगवाड़ा का हो, टीचर वीचर का हो, जो कि कैरी ऑन कर सके उस चीज को, कैथलिक हाँ क्रिश्चियन कोई हो तो वो और इजी रहेगा हमारे लिए कन्विंस करना। चलो वाइंड अप करते हैं, आप निकल लीजिए, है ना सुदीप। ओके ओके सर, ये फोटो ग्रुप में शेयर कर दो, नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा अगले आधे घंटे में आने वाला था 7:30 बजे, उसको उसको बोलो कि लिंक ज्वाइन कर ले, है ना। मैं भी लिख देता हूँ, एक ग्रुप 6:45 पे आने वाला था सर। 6:45 पे तो उसको हम कॉल कर लेते हैं, 6:45 वाले को, क्या नाम है पता है? सर विशाल राज। विशाल राज, मैं विशाल को मैसेज डाल देता हूँ, विशाल एंड टीम। देखो तुम्हारा अब क्या काम है, लाबोनी अभी बाहर है, बाकी लोग सारे अभी इधर उधर हैं, कोई ज्वाइन कर रहा है कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है जानबूझ के, तुमने बस अपने टीम से शाम को एक फॉलो अप मीटिंग करनी है गूगल मीट के ऊपर, जैसे अभी कर रहा है, जब वो सब रेडी हो उनसे सही सही बात करनी है कि पिछली शीट पे कितने नंबर्स दिए थे, आज शीट पे कितने नंबर हैं, क्या वैल्यू एडिशन किया है 7 8 दिन के बीच में, है ना। मैंने इन बच्चों से शीट लिया था, आपकी भी शीट में एक नंबर था, आप कह रहे हो आज की डेट में कितना है, वही एक नंबर है, तो मतलब कहीं कुछ मूव नहीं हो रहा तो कहाँ से आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है तो एक सैटरडे या संडे रिजर्व करके रखो जिसमें पूरी टीम मार्केट में उतर जाए और आपकी वो डेटा शीट पूरी अच्छे से फिल हो जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखो कि साउथ इंडियन फैकल्टी मेंबर्स तेलुगु तेलंगाना से है, चेन्नई से है, कहीं मर्जी से, तमिल है, आंध्रा से है, केरलाइट है, वो आपको ईजी रहेगा कन्विंस करना रादर देन नॉर्थ इंडियन। ओके सर, चलो ठीक है, विशाल एंड टीम टू जॉइन, मैं उनको कन्वे कर दे रहा हूँ, आप लीव कर सकते हो। चलिए ठीक है, बाय।